नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। 23 मई को यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा 2022 का परिणाम घोषित किया। बिहार की दो छात्राओं ने एक और दूसरा रैंक प्राप्त किया और सारे लोग बधाइयों का ताता लग गया, सारे लोग बधाई देते रहे। आपको बताएं कि बिहार से जो उपलब्धि है वो काफ़ी अच्छी है। लगभग 40 से 50 कैंडिडेट इस बार सिलेक्ट हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ट्वीट करके उनको बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान जो महागठबंधन की सरकार है उसके विधायक सुधाकर सिंह ने भी छात्रों को जो यूपीएससी में अच्छा प्रदर्शन किए हैं, चयनित हुए हैं, उन्हें शुभकामना दी है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा किया है कि जितने लोग पास किए हैं सिविल सेवा, उनमें बिहार की शिक्षा की बदौलत कितनों ने पास किया होगा। इससे तो आपको बता दें कि ट्वीट उन्होंने किया है, 8 ट्वीट है जो उनका काफ़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी सुधाकर सिंह जो हैं वो नीतीश सरकार पर काफ़ी हमलावर रहे और इस कारण उन्हें अपनी मंत्री पद को छोड़ना भी पड़ा। ट्वीट में देखिए उन्होंने लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में सफल हुए बिहारी छात्रों के सफल होने से में बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का कितना योगदान है। हर साल की भांति इस साल भी बिहार के छात्र छात्राओं का संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में विपरीत परिस्थितियों में अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। परंतु क्या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा बिहार के छात्र छात्राओं की सफलता, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मापने का पैमाना हो सकता है? जवाब है नहीं। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 3 साल का स्नातक 4 से 5 साल में होता है और 2 साल का स्नातकोत्तर 3 से 4 साल में पूरा किया जाता है। विलंबित सत्र की वजह से हर साल न्यूनतम 15 लाख छात्र प्रभावित होते हैं और यह समस्या दशकों से है। परिणाम स्वरूप बिहार के छात्र छात्रा उच्च शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं। बिहार राज्य की करीब 32% आबादी 16 से 17 आयु वर्ग की है और इसका सिर्फ 44.07% हिस्सा ही माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा की तरफ जाता है, जबकि प्राथमिक से माध्यमिक में स्थानांतरित होने वाले बच्चों का प्रतिशत 84.64 है। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के श्रम बल में तब्दील हो रही है। अगर इसको संक्षेप में बोला जाए तो हम बिहार श्रमवीर यानी कि कोष्ट में उन्होंने लिखा है मजदूर पैदा कर रहा है। बिहार में शिक्षा के बदहाली के बावजूद बिहार के छात्र दूसरे राज्यों में तैयारी कर इतना सफलतम परिणाम लाते हैं, तो जरा सोचिए कि युवाओं को बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले तो राज्य का कितना विकास होगा। इसके अलावा एक दूसरा पहलू भी है, राज्य के महत्वपूर्ण संसाधन छात्रों के रहन सहन और शिक्षक शुल्क मद में प्रतिवर्ष करीब 80,000 करोड़ रुपए राज्य के बाहर पूंजी पलायन भी हो रहा है। साथ ही राज्य से एक बार बाहर निकल जाने पर प्रतिभाशाली छात्र वापस बिहार नहीं के बराबर लौटते हैं, जिसका खामियाजा बिहार के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए विभिन्न तरीकों के कार्यों के लिए स्किल्ड और कमिटेड लोगों की जरूरत होती है, लेकिन उस तरह के प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता नहीं होने से स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित लोगों की भारी कमी है, जिसका खामियाजा यह है कि जितना प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है उतने लोग उपलब्ध नहीं है। तो बहुत बड़ी बात सुधाकर सिंह के द्वारा कहा गया है। हम भी लगातार ये प्रश्न उठाते हैं कि यूपीएससी में जितने छात्र चयनित होते हैं बिहार का कितना योगदान। अगर हम देखें उनके पृष्ठभूमि को, 2021 का हमने एनालिसिस किया था, लगभग 45-50 छात्र उस साल भी निकाले थे, उसमें से मात्र एक छात्रा ने पटना वीमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, बाकी सभी छात्रों ने अपना ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट की पढ़ाई बिहार से बाहर किया था। मैट्रिक तक, प्राइमरी तक, 7वीं 8वीं तक वो बिहार तक पढ़ाई की है, उसके बाद वो दूसरे राज्यों से किए। इसके साथ साथ सुधाकर सिंह ने एक बहुत अहम मुद्दा पर प्रश्न खड़ा किया है कि जो स्किल्ड जो यहाँ के छात्र जो दूसरे राज्यों में पढ़ाई करते हैं, अच्छे अच्छे नौकरी में सिलेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, बिहार लौट के नहीं आते, तो इसे बिहार में जो कहा जाए मानव संसाधन, प्रशिक्षित मानव संसाधन जो है उसका लगातार कमी हो रहा है। इसके साथ साथ आप देख लें
IIT की तैयारी के लिए, मेडिकल की तैयारी के लिए, सिविल सेवा की तैयारी के लिए, CA की तैयारी के लिए, विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए लाखों लाख छात्र बिहार से बाहर जाते हैं और एक बहुत बड़ी धनराशि जो है बिहार से पलायन होकर दूसरे राज्यों में जाती है। कारण क्या है? बिहार का शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होना। सुधाकर सिंह ने इसी पर चोट किया है, बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है और इसे इस पर विचार जरूर होना चाहिए। हालांकि 3 दशक से हम देखें तो बिहार की शिक्षा में लगातार गिरावट आ रही है और सबसे ज़्यादा गिरावट उच्च शिक्षा में है और यही कारण है कि बिहार के विश्वविद्यालयों से कोई भी छात्र अब UPSC परीक्षा नहीं पास कर रहा। इवन कि BPSC की परीक्षा भी देखें तो ज़्यादातर जो उसमें अच्छे रैंक लाने वाले हैं वो दूसरे राज्यों के या फिर IIT से, मेडिकल से पास किए हुए हैं और वही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सुधाकर सिंह ने एक तरह से फिर से कटाक्ष किया है वर्तमान की सरकार पर, पिछले कई दशकों से चल रही सरकार पर, कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के चरमराने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। जो छात्र बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्किल्ड होते हैं और वो फिर बिहार लौट के नहीं आते हैं, अपनी सेवा को, अपने ज्ञान का, बुद्धि को बिहार को नहीं देते हैं और बिहार जो है कई मोर्चों पर इसी कारण पिछड़ते ही जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।